नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सतीश कुमार जाडव। आज हम आए हैं श्री अहिल्या माता गौशाला जी दया मंडल ट्रस्ट, और ये पेडमी गांव के पास स्थित है, जो इंदौर से 30 किलोमीटर। हमारी इंटर्नशिप टीम आई हुई है, जिसमें मौजूद हैं डॉक्टर अभिषेक राज, डॉक्टर हर्ष वर्मा, डॉक्टर प्रवीण डोरवा और डॉक्टर जितेंद्र शेरावत। मैं आप स्वागत करूँगा आपके बैच में डॉक्टर जितेंद्र सिंह शेरावत का। आइए, हम आपको अब गौशाला के अंदर ले जाएंगे और बताते हैं कि क्या क्या यहाँ सुविधाएं हैं और कैसा रखरखाव और प्रबंधन है। आइए अंदर। इसमें ऐसे जानवरों को रखा जाता है जो चल नहीं पाते, और इनका ट्रीटमेंट ऐसी गाय है जो चलने को लायक नहीं है। एक बार बैठे आते हैं इनका ट्रीटमेंट करते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर
जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पशुधन की हमारे देश में, हमारे ग्रामीण और अर्थव्यवस्था में कितनी उपयोगिता है, लेकिन आप सब ये भी जानते होंगे कि हमारे देश में गाय को माता का दर्जा प्राप्त है, लेकिन ये माता का दर्जा तभी तक प्राप्त होता है जब तक कि वो दूध देती है, दही देती है, घी देती है। एक बार वो प्रोडक्टिविटी उसकी कम हो जाती है किसी भी कारणवश, किसी बीमारी के कारण या किसी अन्य कारण या बढ़ती उम्र के कारण, तो उसे बाहर फेंक देते हैं सड़ने के लिए, पोलिथीन खाने के लिए, और वो बीमार पड़ जाती है। लेकिन एक अच्छी शुरुआत जीव दया ट्रस्ट ने की है और आज हम आए हैं इस गौशाला में। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि NDVSU जबलपुर यूनिवर्सिटी ने इस गौशाला को गोद लिया हुआ है और इसी कारण जो इंटर्नशिप के छात्र हैं वहाँ यहाँ उनकी ड्यूटी लगती है और वो इसका पूरा जो ट्रीटमेंट होता है जानवरों का उसे देखते हैं और अपने हिसाब से यहाँ जो मैनेजर हैं और जो ट्रस्टी साहब हैं उनको सलाह देते हैं कि क्या क्या हम कर सकते हैं और कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो आगे अग्रवाल जी से अपन जानते हैं कि इसकी गौशाला की शुरुआत कब से हुई और इसका मैनेजमेंट कैसे है और इसकी कैसे व्यवस्था है। तो सुखम सिंह के द्वारा स्थापित की गई, उस समय समाज सेवियों का दूरदर्शिता देखो 162 साल पहले ये जान करके कि इस तरह की जी, अच्छा नाम क्या रखा था, श्री अहिल्या माता गौशाला, जीव दया, मतलब जीवों की सेवा करने का ही मकसद था। मैं दूध उत्पादन का कोई लक्ष्य नहीं था, आज भी दूध उत्पादन का लक्ष्य नहीं है आज के दिन, तो कल कमेटी क्या सोचेगी, क्या प्लानिंग करते हो, तो देखो करना ही पड़ेगा, खर्चा चलाने के लिए सब करना पड़ता है। और मेन इसके अंदर जो हमारे ट्रस्टी हैं 10, वही समर्पित है सभी सारे के साथ, जन समुदाय से भी, गवर्नमेंट से भी अनुदान भी मिलता है, सहयोग भी मिलता है। और आप लोग देख रहे होंगे, आपके यहाँ पर पशु चिकित्सा के दौरान ही आए हुए हैं, तो आप देख रहे हैं पशुओं की हालत क्या है, कैसी है। सभी जीव दया के पशु हैं, कोई भी दूधधारू पशु नहीं है। इसके बाद अभी जो इसका खान पान का तो कोई हमको कमी नहीं है, इसमें अनुदान से मिल जाता है हमको, सब ट्रस्ट है, ट्रस्ट अनुदान देता है, कमी की पूरी करता है। इसके बाद में अभी 8 फरवरी 2021 को शिवराज सिंह चौहान ने अपनी अध्यक्षता में कॉन्फ्रेंस की थी कलेक्टर और कमिश्नरों के साथ, उसमें भी उन्होंने इसी गौशाला को, पेड में स्थित अहिल्या माता गौशाला को ही चयनित किया है कि जिले की एक आदर्श बृहद गौशाला बनाने। मैं धन्यवाद दूंगा अग्रवाल जी का कि हम यहाँ आए और जिस तरह से हमारा पूरा मैनेजमेंट रखा रहने का, खाने पीने का। तो मैं जानना चाहूँगा अग्रवाल जी से कि अग्रवाल जी, इंटर्नशिप के छात्र जो है मोहगटरी कॉलेज के, उनकी कैसे शुरुआत हुई कि उनकी यहाँ ड्यूटी लगनी चाहिए, कैसे पूरा ये आपकी सोच आई, विचार आया? देखो इसमें मैं बताऊँ आपको, हम लोग पहले चर्चा करी थी 8 अगस्त को आपके डॉक्टर नानावती साहब को यहाँ बुलाए थे, हमने विजिट करवाई थी, हमने ऐसे व्यक्तिगत रूप से डॉक्टर नानावती के साथ में मेरा संपर्क है, व्यक्तिगत संपर्क है, तो उनको मैं और डॉक्टर PC दुबे PCCF फॉरेस्ट जो मध्य प्रदेश के प्रमुख को, वो तीनों लोग हम आए थे, उसमें उन्होंने कुछ अपने ऑब्जर्वेशन दिए थे डॉक्टर नानावती से, उन ऑब्जर्वेशन को फिर हमने, हमको मालूम चला कि आपके कुलपति साहब जबलपुर से, नाना जी देशमुख विश्वविद्यालय के, वो आने वाले हैं यहाँ पर, तो उनसे डॉक्टर दुबे साहब के द्वारा मार्फत बात कराई हमने और उन्होंने अपने को आश्वासन दिया कि मैं जो ही इंदौर आऊँगा तो आपकी गौशाला अवश्य देखूँगा। तो फॉर्चुनेटली 22 अगस्त को रक्षाबंधन का दिन था शायद, रक्षाबंधन के दिन कुलपति साहब पधारे यहाँ पर सहपत्नी और देख करके बड़े प्रभावित हुए गौशाला को, और उसी समय देन एंड देर उन्होंने मऊ कॉलेज, वेटरनरी कॉलेज के डॉक्टर भजेरवाल साहब थे, डॉक्टर शुक्ला साहब थे, मौहर साहब थे, नानवती साहब भी थे, उनको सबको उन्होंने देन एंड देर उसी समय निर्देश दे दिए कि इस गौशाला को आप लोग गोद ले लो और हर सप्ताह इसके अंदर आपके वार्ड पर इंटरनेट आने चाहिए और टाइम टू टाइम पशु उपचार के लिए अपना कार्यशाला भी लगनी चाहिए, शिविर, जैसे शिविर लगाते हैं अभी, जैसे महीने में 2 लगते हैं अभी, वैसे शिविर लगाने चाहिए। तो ये मैं तो कुलपति साहब का बहुत बहुत धन्यवाद मानता हूँ, उनको अभिवादन करता हूँ। आज के दिन 525 गोवंश है यहाँ पर, बच्चे बच्चियाँ केले के लिए लेकर सब मिला के टोटल, और 18 मजदूर सब स्टाफ है यहाँ पर, 18 लोग, हाँ, तो वो मैनेज कर रहे हैं सारे।
इनकी देख रेख में, अशोक जी की पद पर देख रेख में। और बाहर के किसान लोग जो हैं जो नहीं संभाल पाते हैं गायें या बीमार हो जाती हैं, तो अनुत्पादित गाय हैं वो उनको जो किसान लोग का मतलब आउट ऑफ कंट्रोल की बात है, तो वो यहाँ छोड़ जाते हैं और हम रख भी लेते हैं। बीमार गाय होती है उसको भी हम रख लेते हैं। देख ही रहे हैं आईसीयू के अंदर कैसे किस किस हालत में गाय। किसी की बात बता दूँ आपको, अभी गोवर्धन योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार की योजना है, उसके अंतर्गत हमको 200 गणपित कैपेसिटी का बायोगैस प्लांट सेंक्शन हुआ है। मतलब उस मतलब इस जिले के अंदर एक संयंत्र लगाना है सामुदायिक तौर पर, तो वो उसके लिए भी इन्होंने मध्य प्रदेश पशुधन गौसंवर्धन बोर्ड ने इसी गौशाला को चयनित किया है, इसी गौशाला के अंदर यहीं पर वो स्थापित करेंगे। अब इसके अंदर बायोगैस निकलेगी, वो गाँव के अंदर पाइपलाइन के द्वारा सप्लाई करेंगे पेड़ में गाँव के अंदर, और जो स्लेरी होगी वो गौशाला के काम में आएगी, उससे सिंचाई भी होगी, बर्मी के कंपोस्ट भी बनेगा। हम अपनी तरफ से आपको थैंक यू माताओं का सेवा भाव से इलाज करवा रहे हैं और उनकी देख रेख कर रहे हैं। धन्यवाद अग्रवाल जी।